कोविड-19 का सेकेंड वेव सिर्फ एडल्ट तक नहीं रहा है, अब बच्चों में भी होने लग गया है। जो बच्चों में कॉमन सिम्टम्स देखा गया है वो है फीवर, कॉफ, रनिंग नोज, सोर थ्रोट, डायरिया, वॉमिटिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, इनफैक्ट भूख भी बच्चों को नहीं लग रही है। ये सारे सिम्टम्स आजकल बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गए हैं बच्चों में। सबसे ज्यादा सवाल ये आता है कि अगर कोई बच्चा कोविड पॉजिटिव हो गया है तो उनके लिए क्या प्रिकॉशंस और क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। यहाँ पे भी मैं यही बताऊंगी कि जो ट्रीटमेंट है वो हर बच्चे का एक स्पेसिफिक तरीके से होता है, क्योंकि हर बच्चे का साइन और सिम्टम्स जो है डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे भी बच्चे का डाइट, एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, रेस्ट इत्यादि का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। साथ ही साथ बच्चे को भी 14 दिन के लिए क्वारंटीन करना होगा। जैसे एडल्ट में करते हैं कि हम उनका ऑक्सीजन लेवल हमेशा चेक करते रहते हैं, पल्स रेट, ब्रीदिंग, रेस्पिरेटरी रेट, ये सारी चीजें चेक करते रहते हैं, उसी तरह से बच्चों में भी हमें लगातार चेक करना है। ये देखा गया है कि बच्चों में माइल्ड से मॉडरेट सिम्टम्स आ रहा है, सीवियर केसेस बहुत कम देखे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सीवियर केसेस हैं। इसीलिए अगर कोई भी साइन और सिम्टम्स आपको ज्यादा दिखे तो प्लीज अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए। बच्चों के लिए भी ब्लड टेस्ट कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सी रिएक्टिव प्रोटीन और ब्लड में कितना आयरन है, यानी कि फेरेटिन लेवल भी चेक करते रहना है। अगर ये दोनों चीजें एलिवेटेड है तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें और हॉस्पिटल विजिट करें। अब सवाल यहाँ आता है कि क्या न्यूबॉर्न बेबीज को भी हो सकता है कोविड। ये एविडेंस कम देखा गया है कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उससे उसके बच्चे में भी कोविड इन्फेक्शन ट्रांसफर हो रहा है। अगर बच्चे का जन्म हो चुका है उसके बाद उसको कोविड इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। मेरे से बहुत सारे नोन में है जिनके 6 महीने के बच्चे को, 12 महीने के बच्चे को या 18 महीने के बच्चों को भी कोविड हुआ है। तो आपको प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स रखने हैं ताकि आपके बच्चे को कोविड ना हो। और अगर आपके बच्चे को कोविड हो भी गया है तो आप घबराएं नहीं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। बच्चा अगर ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो उसे कंटिन्यू रखना है और मेडिकेशन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही देना है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि उनको भी सही इन्फॉर्मेशन मिल सके कोविड के बारे में।